फिल्म की स्टार्टिंग में हमको दो लड़कियों को दिखाते हैं जो कि एस्कॉर्ट थी, लेकिन वो जंगल में किसी चीज़ से भाग रही थी और वो एक गड्ढे में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंस गई थी। वहाँ पर जॉर्ज नाम का एक और व्यक्ति था और वो उन लड़कियों की हेल्प ना करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस गया था जिसकी वजह से वो उल्टा लटक जाता है। अब जो उनको मारना चाहता था वो किलर जॉर्ज के पास आकर उसे मार देता है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में हमको उस हादसे से कुछ टाइम पहले की स्टोरी को दिखाते हैं। तो फिल्म में हमको एक टीम को दिखाते हैं जो कि वीकेंड पर उसी लॉज पर जाने वाले थे जहाँ पर कि जॉर्ज था, जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था, और वो एक बस में थे। बस में उनका मैनेजर रिचर्ड था और स्टीव, मैगी, हैरिस, जिल, गॉर्डन और बिली। तो वो रास्ते में थे और बस में स्टीव मशरूम भी खाता है। वहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रास्ते में एक पेड़ था जिसकी वजह से उनका रास्ता भी बंद था, तो वो बस से आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन उनके साइड में एक और रास्ता था जो कि जंगल से होकर जाता है। तो रिचर्ड बस के ड्राइवर से उस रास्ते से होकर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्राइवर मना कर देता है क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था और वो ड्राइवर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था। तो उन सभी को बस से उतार कर बस को लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी उन सभी को किसी जानवर की आवाज़ आती है जिससे कि वो काफ़ी डर गए थे, और वो आवाज़ भालू की थी। तभी रिचर्ड उनसे कहता है कि इस जंगल में कोई भालू नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब स्टीव को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैंट में टॉयलेट कर गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मशरूम की वजह से उसे अब नशा होने लगा था। अब वो जंगल में आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि जंगल में सच में भालू थे। अब फाइनली वो अपनी लग्जरी लॉज के पास पहुंच गए थे जो कि काफ़ी पुरानी थी। तो वो लॉज के अंदर जाते हैं और उसे देखते हैं, लेकिन वो लॉज ऐसी नहीं थी जैसा कि उन्होंने सोचा था क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी और सभी को लग रहा था कि ये वो लॉज नहीं है जिसमें कि वो आने वाले थे। लेकिन रिचर्ड उन सभी से कहता है कि पूरे मैप पर ये एक ही लॉज है और ये बिल्कुल सही है। तो वो सभी उसी में रुकते हैं और वो उसको एक्सप्लोर भी करते हैं। तभी गॉर्डन वहाँ के एक पूल के पास जाता है जो कि काफ़ी पुराना था, और हैरिस को कुछ फाइल्स भी मिलती जो कि पहले से डॉक्यूमेंट्स थे। तो रात हो गई थी और रिचर्ड काफ़ी थक गया था और वो सो जाता है। तभी उसे एक डरावना और काफ़ी बुरा सपना भी आता है। अब वो सभी डिनर करते हैं और डिनर में वो पाई खाते हैं और वहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें भी करते हैं। तभी हैरिस उनको इस लॉज की पुरानी स्टोरी सुनाता है और वो कहता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ये जगह एक मेंटल इंस्टीट्यूट था जहाँ पर कि काफ़ी सारे कैदी थे। तो एक इंस्पेक्टर उन कैदियों को देखने के लिए आधी रात को जेल में जाता है, यानी कि इसी लॉज पर, लेकिन वो कैदी जेल पर कब्जा कर लेते हैं। तो वो डॉक्टर्स को तो जेल में बंद कर देते हैं और वो उस इंस्पेक्टर को मार देते हैं। लेकिन तभी जिल कहती है कि ये कहानी झूठी है और वो उनको एक सच्ची कहानी सुनाती है इसी लॉज की, और वो उनसे कहती है कि ये लॉज पहले एक रिडक्शन सेंटर था, और वो उनको सोल्जर से रिलेटेड स्टोरी सुनाती है। तो वहाँ पर वो ऐसी बातें करते हैं, तभी वहाँ पर रिचर्ड भी आ गया था। अब स्टीव के पाई में एक दांत आ गया था। तभी हमको पता चलता है कि ये पाई गॉर्डन ने खुद से नहीं बनाया था बल्कि ये उसे किचन में मिला था। इस बात से सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो वहाँ से चले भी जाते हैं। अब रात हो गई थी तो सभी सो जाते हैं। तभी जिल उठती है पानी पीने के लिए और वो पानी पीने के बाद वापस से अपने रूम में आती है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर एक मकड़ी थी, तो वो उसे अपने हाथ में पकड़कर विंडो से बाहर फेंक रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि पेड़ पर एक आदमी था लॉज से बाहर, उसे देखकर वो चिल्लाने लगी थी। तभी वहाँ पर बाकी के सभी लोग आ गए थे और जिल उनको उस आदमी के बारे में बताती है जो कि लॉज से बाहर था। तो हैरिस और बिली बाहर जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिला था। तो वो वापस से लॉज में जिल के रूम में जाते हैं और हैरिस उनसे कहता है कि हमको सुबह चोटी के ऊपर जाना होगा ताकि हमको कोई सिग्नल मिल जाए और हम हेल्प बुला सकें। तो सभी इस लॉज से जाने वाले थे क्योंकि उनको ये लॉज काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन रिचर्ड ऐसा नहीं चाहता था।
लेकिन जब अगली सुबह जिल रिचर्ड से दोबारा इस लॉर्ड्स को छोड़कर जाने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। अब इसके बाद वो जिल और हैरिस को चोटी पर जाने के लिए कहता है ताकि उनको सिग्नल मिल जाए, और बाकी के लोग वहाँ पर पेंट बॉलिंग गेम खेलने वाले थे। तो जिल और हैरिस को दिखाते हैं जो कि रास्ते में थे, तभी उनको वो बस मिलती है। वहाँ पर उनको बस ड्राइवर भी मिलता है, लेकिन इस बार वो मरा हुआ था, इससे कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो वो बाकी के लोगों को भी वॉर्न करने वाले थे, और वो उस ड्राइवर की बस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिल्म में हमको स्टीव और बिली को दिखाते हैं जो कि गेम खेल रहे थे, लेकिन वो रिचर्ड और मैगी की टीम से हार जाते हैं। तो उनका वहाँ पर गेम पूरा हो गया था। अब गोल्डन वहाँ से वापस जा रहा था, लेकिन तभी उसका पैर बियर ट्रैप में फंस गया था, जिससे कि उसे काफ़ी दर्द होता है। लेकिन स्टीव और बिली उसके पैर को ट्रैप से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नाकामयाब होने की वजह से उसका पैर कट गया था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बियर ट्रैप थे। इतने वहाँ पर हैरिस और जिल बस को लेकर आ गए थे। तो सबसे पहले तो स्टीव गोल्डन के पैर को फ्रीज़र में रखता है, इसके बाद वो सभी बस में बैठकर वहाँ से जाने लगे थे। अब वो रास्ते में थे और बस को चला रहा था, और वो बस को काफ़ी तेज़ चलाता है, तभी कोई उनके रास्ते में स्पाइक स्ट्रिप फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनके बस टायर फट गए थे और उनका एक्सीडेंट भी होता है। उनकी बस पूरी तरह से पलट गई थी। अब रात हो जाती है तो जिल बस से बाहर निकलती है, वो काफ़ी घायल थी। तभी वो देखती है कि बस के बाहर हैरिस था, और वो भी काफ़ी घायल था। हैरिस जिल से मदद मांगता है, लेकिन जिल उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। अब जिल के पास एक टेररिस्ट आता है जो कि उनको मारना चाहता था, और वो हैरिस की गर्दन को काट देता है। वहाँ पर हैरिस की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद जिल को दिखाते हैं जो कि अभी भी जंगल में थी, और वो टेररिस्ट जिल को भी पकड़ लेता है। अब फिल्म में हमको बाकी के लोगों को दिखाते हैं जिनको होश आ गया था, और वो बस से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो हैरिस की डेथ बॉडी को देखते हैं। उनको पता चल गया था कि इस जंगल में कुछ लोग उनको मारना चाहते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी डर गए थे, और उनको अब अपनी जान बचानी थी, तो वो वापस से लॉज में जाने का फैसला करते हैं। अब फिल्म में हमको जिल को दिखाते हैं जो कि एक पेड़ से बंधी हुई थी। उसके पास वो ही टेररिस्ट था, और वो जिल को जिंदा फ्लेम थ्रो से जला देता है। अब फिल्म में हमको बाकी लोगों को दिखाते हैं जो कि वापस से उस लॉज में चले गए थे। लॉज में जाने के बाद वो वहाँ के सभी डोर को लॉक कर देते हैं, तो वो उस लॉज में एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके बाद बिली टॉयलेट जाता है, और मैगी और स्टीव वहाँ पर स्मोक करने लगे थे। लेकिन इसी के साथ टेररिस्ट लॉज में आ गया था, और वो गोल्डन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद उन सभी लोगों का ध्यान जाता है कि वहाँ पर गोल्डन नहीं था, और वो गोल्डन को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि लॉज के नीचे एक जेल थी, और उस लॉज को लेकर जितनी भी स्टोरी थी वो बिल्कुल सच थी। तो वहाँ पर बिली उस डोर को ओपन करता है जिसमें कि गोल्डन था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि टेररिस्ट ने गोल्डन को मार दिया था, और उसके ऊपर उसने पैलिसेड लोगों भी बना दिया था। लेकिन तभी वो टेररिस्ट बिली पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग छुप जाते हैं, और वो एक दूसरे से अलग भी हो गए थे। तो मैगी और बिली एक साथ थे, लेकिन गोली लगने की वजह से बिली की डेथ हो जाती है, और मैगी को इससे काफ़ी बुरा लगता है। अब स्टीव को दिखाते हैं जो कि ऊपर चले गया था, तभी वो देखता है कि रिचर्ड लॉज को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब फिल्म में हमको मैगी को दिखाते हैं जो कि किलर को मारने के लिए ऊपर जाती है। वो उसे मारने वाली थी, बट एकदम से वो नीचे गिर जाती है। तो उस किलर को मैगी के बारे में पता चल गया था, और वो गन से मैगी को मारने वाला था। लेकिन इतने ही स्टीव उसके पेट में चाकू मारता है, जिससे कि वो किलर मेन लेवल फ्लोर में फंस गया था, और मैगी उसकी गन को लेकर उसे मार देती है। तो स्टीव और मैगी को लग रहा था कि उन्होंने किलर को मार दिया है और वो बच गए हैं, तो वो काफ़ी शांत हो गए थे, और वो घर से बाहर जाते हैं। लेकिन बाहर जाकर वो देखती हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे टेररिस्ट थे
जो कि उनको मारने वाले थे, लेकिन मैगी उनमें से एक को मार देती है और उनकी गन से गोली भी ख़त्म हो गई थी। तो बाकी के टेररिस्ट उनको मारते उससे पहले मैगी और स्टीव वहाँ से भाग जाते हैं और वो टेररिस्ट उनके पीछे थे। तभी मैगी और स्टीव रिचर्ड के पास पहुँच गए थे, लेकिन रिचर्ड का पैर एक माइन के ऊपर था और वो एक माइन फील्ड में फंसा हुआ था। वो हिल भी नहीं सकता था क्योंकि अगर वो अपने पैर को माइन के ऊपर से हटाएगा उसमें एक्सप्लोजन्स होंगे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो उन दोनों को रास्ता बताता है जिससे कि वो माइन फील्ड को पार कर लेते हैं। इसके बाद रिचर्ड उन दोनों को जाने के लिए कहता है और वो चले भी जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। इसके बाद रिचर्ड के पास वो टेररिस्ट आते हैं और वो रिचर्ड को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं। वहाँ के पर एक पेड़ कटा हुआ भी था तो वो टेररिस्ट उस पेड़ से माइन फील्ड को पार करते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड अपने पैर को उस माइन से हटा लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर रिचर्ड की तो डेथ हो गई थी, लेकिन इसी के साथ वो दो टेररिस्ट को भी मार देता है। अब फिल्म में हमको स्टीव और मैगी को दिखाते हैं जो कि उस लॉज के पास पहुँचते हैं जिसमें कि वो जाने वाले थे वीकेंड पर। तो वो लॉज उनकी लग्जरी लॉज थी और जिस लॉज में वो पहले थे वो गलती से उसमें चले गए थे। तो वो अब उस लॉज में जाते हैं जो कि उनके सामने थी और उसमें उनका बॉस जॉर्ज भी था जो कि दो एस्कॉर्ट के साथ था। तो मैगी जॉर्ज को उन टेररिस्ट के बारे में बताती है, तो जॉर्ज को भी सब पता चल गया था। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज के पास एक मिसाइल थी, तो वो लॉज से बाहर निकलते हैं और वो उस मिसाइल से टेररिस्ट को मारने वाले थे, लेकिन जैसे जॉर्ज उस मिसाइल को टेररिस्ट पर चलाता है वो ऊपर की तरफ जाती है और वो एक प्राइवेट जेट पर लॉक थी, तो वो प्राइवेट जेट को हिट करती है जिसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन्स होते हैं। लेकिन उनकी मिसाइल ने भी उनको धोखा दे दिया था और वो टेररिस्ट मरे नहीं थे जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब फिल्म में वो सीन बनता है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाया था, मतलब कि जॉर्ज की डेथ हो गई थी और वो दो एस्कॉर्ट गड्ढे में फंस गए थे। तभी मैगी भी एक ट्रैप में फंस जाती है और वो उल्टा लटक गई थी। इसी के साथ स्टीव को दिखाते हैं, उसके पास एक टेररिस्ट आता है, वो उसके पिछवाड़े में चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो एक और टेररिस्ट से लड़ता है, लेकिन स्टीव ने दोनों को मार दिया था, बट इसी के साथ उसके कंधे में एक चाकू भी लग गया था जिसकी वजह से वो घायल हो गया था। अब फिल्म में हमको मैगी को दिखाते हैं जो कि उल्टा लटकी हुई थी, उसके पास एक टेररिस्ट आकर उसकी रस्सी को खोल देता है, लेकिन इसके बाद वो मैगी को मारने वाला था लेकिन मैगी पत्थर से उसके सर को कुचल देती है। अब फिल्म में हमको स्टीव को दिखाते हैं जो कि घायल था, लेकिन वो उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है जिसमें कि दो एस्कॉर्ट थी और वो उनको बाहर भी निकालता है। अब फिल्म में हमको मैगी को दिखाते हैं जो कि प्रिजन कैंप के पास पहुंच गई थी, वो उसके अंदर जाकर फ़ोन करने की कोशिश करती है बट कर नहीं पाती है। तभी वहाँ पर एक टेररिस्ट भी आ गया था, वही टेररिस्ट जिसने जिल को मारा था और जिसके पास फ्लेम थ्रो थी। तो मैगी उससे बचने के लिए ऊपर से नीचे कूदती है जिससे कि उसका पैर टूट गया था। तो वो टेररिस्ट मैगी को मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर इतने ही स्टीव उन दो एस्कॉर्ट के साथ आ गया था और उनमें से एक एस्कॉर्ट सब मशीन की मदद से उस टेररिस्ट को मार देती है। तो वो आखिरी वाला था और उन्होंने सभी टेररिस्ट को मार दिया था जिससे कि वो बच गए थे। इसके बाद वो चारों रोबोट से वहाँ से जाने लगे थे और फिल्म के लास्ट में स्टीव मैगी से फोरसम करने के लिए कहता है। ये सब उसने मजाक में कहा था और यहीं पर इस मजाक के साथ फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।